अच्छा एक ही था कि वुमेन एम्पावरमेंट हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी तक जायसवाल का जितना भी फंक्शन हुआ है मुंबई में पिछले 20 साल से, आई थिंक महिलाओं के लिए, सब विशेष महिलाओं के लिए, जिसमें महिला बोलते आउटडोर एक्टिविटी हो, जिसमें महिला एक्चुअली एज अ टीम इन्वॉल्व हो, तो हमारा यही मोटिव था कि इस बार क्यों ना हम महिलाओं के लिए ऐसा करें जहाँ पे जो संस्था की 8 संस्थाएँ जो हमारी हैं एक साथ मिल के अलग अलग अपनी टीम बनाएं और एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें। और मैं वो देख रहा हूँ कि सारी जो महिलाएं क्रिकेट खेल रही हैं एक बहुत ही पॉजिटिव तरह से ले रही हैं और कॉम्पिटिटिव भी है, और कहीं ना कहीं उनका कैच छूट रहा है तो उनको बुरा भी लग रहा है और सिक्स मारे तो उनको खुशी भी हो रही है। तो ये एक माहौल जो होता है वो अपने आप में क्रिएट करना बहुत ज़रूरी था समाज के लिए। और आई थिंक महिलाएँ हमारे समाज की 50% कॉन्ट्रीब्यूटर होती हैं। हम हमेशा 50% की नहीं सोचते, हम 50% की सोचते हैं, मेल डोमिनेंट वो है, और हमारा समाज हमेशा कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंट रहा है, लेकिन उस चीज़ को कहीं ना कहीं इसको चेंज करना चाहते हैं हम। और एक कोशिश है हमारी, हमारी ट्रस्ट की तरफ से कोशिश है, और JYF जो हमारा अभी नया वो है कि जो कंबाइंड एक यूनिट है 7 संस्थाओं का एक कंबाइंड यूनिट है, और उसमें कुछ संस्थाएं भी नहीं जुड़ी हैं। हम तो कोशिश करेंगे वो संस्थाएं भी जुड़े इससे और हमारे साथ मिलके कुछ अच्छा करें, हमारा यही कोशिश है। और एक वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ की फॉर ऑल ऑफ अस, और इसलिए हमने ये पूरा इवेंट आज रखा है। नहीं नहीं एक्चुअली हमने एज लिमिट नहीं रखी है, हमने तो ये चाहा कि अगर जो दिल से यंग है वो खेल सकता है, और यंग का डेफिनेशन आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। अगर आप 70 साल के तो भी यंग हो, पर दिल से यंग होना जरूरी है। आप अगर चाहते हो कि आप मैं खेल सकता हूँ तो आप खेल सकते हो, इसलिए हमने कोई लिमिट नहीं रखा उसके। प्राइजेस भी हमने रखा है, हमें फर्स्ट ईयर था तो हमने महिलाओं को फर्स्ट प्राइज 21,000 रुपीज़ रखा है और सेकंड प्राइज 11,000 रखा है। नेक्स्ट ईयर हम चाहेंगे कि और भी समाज जुड़े और इसको हम 1,00,000 रुपया और 1.5 लाख रुपया ऐसा कुछ प्राइज़ रखें जिसमें महिलाओं को और भी प्रोत्साहन मिले। इस तरफ का ये महिलाओं के लिए प्रथम कार्यक्रम है, लेकिन पिछले साल हमने JCL किया था जहाँ शायद आप लोग आए भी थे, वो स्पेशली जो था मेल जायसवालों को एक था, और हमने बहुत सारे यंग जायसवालों को एक साथ लेके आए थे उस प्लेटफॉर्म से। और शायद 6 जनवरी लास्ट ईयर जो हमने इवेंट किया था, और वो तब से अब तक शायद बहुत सारा चेंज हुआ है समाज में, और समाज कहीं ना कहीं एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है, और ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है हमारे लिए फ्यूचर के लिए। आई थिंक जहाँ तक मैं फॉर्चुनेट इनफ मैं बोल सकता हूँ कि अगर 7 संस्थाएं जुड़ गई हैं तो मतलब एक संस्था या 2 संस्था जो नहीं जुड़ी हैं वो 7 संस्था अगर एक साल में जुड़ सकती है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, और बहुत आई थिंक हम सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज का कार्यक्रम काफ़ी बढ़िया ऑर्गेनाइज हुआ है। हमारे ट्रस्ट का ये मोटो है कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम ध्यान दें और वुमेन्स के लिए कुछ करें, इसलिए हमने ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया JYF के साथ, और काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है समाज की तरफ से, समाज के वरिष्ठ लोगों की तरफ से, समाज के यंग लोगों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, और वी आर वेरी हैप्पी कि ये प्रोग्राम और अच्छा कनेक्शन और अच्छा हो। सर JCL में जैसे कि आपका इंटरव्यू मैंने लिया था तभी आपने बोला था कि हम वुमेन क्रिकेट रखेंगे, तो अभी सक्सेसफुल हो गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग दैट क्वेश्चन, आई एम ब्रिंगिंग इट एट दिस पॉइंट। हमने जो सी हम अपने वर्ड पे कमिटेड हैं, जो कमिटमेंट दिया है उसको फुलफिल करेंगे, और हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। सर इस बार कितनी संख्याओं में लोग मौजूद? और एक चीज़ मैं एक और अनाउंस करना चाहता हूँ कि अब हमने महिला के लिए कर लिया, हमने यंग लोगों के लिए कर लिया, लेकिन हम कई बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और कोशिश ऐसा होगा हम एक ऐसा फंक्शन रखें और उसका नाम रखें एक शाम बुजुर्गों के नाम। ये मैं JYF को बोलूँगा कि ऐसा कुछ रखो जहाँ हमारे बुजुर्ग के लिए हो, और उसका मोटिव मैं आप रिकॉर्ड करना और एक क्वेश्चन जरूर पूछना जब वो हम इवेंट रखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग है ही नहीं, टूटना पड़ेगा सर। ये प्रोग्राम जिसमें हमको देखना था कि महिलाओं की दहाड़, और आज हमने महिलाओं की दहाड़ देखा, हर चौके छक्के पर दहाड़ती भी थे और डांस भी करते थे, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज JYF में 7 संस्था डायरेक्टली जुड़ी है, लेकिन एक संस्था जो JYF में नहीं है फिर भी वो इस इवेंट का हिस्सा है, उसके लिए उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि सारी संस्था JYF के अंडर बैनर में होगी, और JYF विल ऑलवेज रॉक। जय स्वामी। Hey, he's not saying that.
सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट से जब हमने JCL लिया था तो हमारा एक मिशन क्लियर हो चुका था कि समाज के लिए हम कुछ नया करके दिखाएंगे। और ये एक तरह का बोलेंगे समाज में जब हमने JCL किया था एक वाइब्रेशन हुआ, एक तरह से क्रांति हुई और पूरे इंडिया लेवल पर स्प्रेड हुआ। और उसकी हमारी देन है कि उसका जो हमको प्रतिसाद मिला पूरे इंडिया लेवल से और उन लोग का एक आकर्षण बढ़ा है। और इसके बाद हमने हमारा दूसरा उपलब्धि है महिलाओं लेडीज़ के और महिलाओं के विषय में, और इसको हम अपने अच्छे ढंग से इसको हमने प्रस्तुत किया। और जो जिज्ञासा और जो उत्साह और जो उन लोग की मेहनत देखे हैं वो हमारे JCL से भी ज़्यादा जो इनके चांस है वो देखने को हमको मिल रहा है लेडीज़ों में। आई थिंक ये JCL का और क्रिकेट के अलावा भी अभी हमारे संस्था ने फंक्शन किया था जिसका नाम था दिवाली फॉर ऑल, शायद आप लोग उसमें आए थे। और कहीं ना कहीं हमारा ये एक विजन होगा कि अपार्ट फ्रॉम जो सोशल एक्टिविटी के अलावा भी हम कहीं ना कहीं ऐसे जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ एक्टिविटी करें, चाहे वो जायसवाल हो या ना हो, हमारे भी एक मोटिव होगा आगे आगे। अब पूरे भारत में सबकी नज़र जायसवाल यूथ फेडरेशन पे है और सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू हम मैक्सिमम जो भी सहायता हो सकते हैं हम जायसवाल समाज में कर रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स को लेके, एजुकेशन के लेके और आने वाले दिनों में हम मेडिकल के ऊपर इस तरह से हम कुछ चीज़ों को कॉन्सेंट्रेशन करेंगे और एक नया दिशा देने के लिए हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मुंबई की थी ऐसा मुंबई की है प्रमोद भाई, मुंबई और धानु है, मुंबई और धानु ट्रस्ट के ट्रस्टी राजदीप और संदीप ने लास्ट टाइम ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि महिलाओं के लिए हमें कुछ इवेंट करना है और महिलाओं की भी बहुत ईगर से डिमांड थी कि सर आप हमेशा मेल के लिए करते हो लेकिन फीमेल बेस्ड प्रोग्राम नहीं होता है, और हमने फीमेल बेस्ड इवेंट किया और इसमें जितना बढ़ चढ़ के इन लोगों ने हिस्सा लिया और जितना इसको इवेंट को सक्सेस किया, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ JYF एंड सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ट्रस्टी आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑन फॉर जायसवाल यूथ फेडरेशन का गठन 20 नवंबर को हुआ और 22 दिसंबर को इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, ये पूरा जो श्रेय जाता है ये हमारी कमेटी को और हमारे ट्रस्टी राजदीप गुप्ता जी और संदीप गुप्ता जी को जाता है। ये 32nd डे है जो हम इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, 22 नवंबर को हमारा गठन हुआ था जायसवाल यूथ फेडरेशन का और आज 22 दिसंबर को हम ये जायसवाल यूथ फेडरेशन का वुमेन बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्येय था कि लेडीज फर्स्ट, पहला कोई प्रोग्राम हो तो लेडीज फर्स्ट, ये हमारा ध्येय था और ये आज हम लोगों ने सक्सेस किया। थैंक यू, धन्यवाद। सब लेडीज बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जायसवाल वुमेन्स के लिए, जायसवाल यूथ फेडरेशन के तरफ से जो सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आज 3-8 संस्था यहाँ पे ज्वाइंट हुए हैं जो बहुत अच्छा अपना बेस्ट दे रहे हैं और इससे हमें पता भी चल रहा है कि औरतों में कितनी शक्तियाँ हैं, वो सिर्फ घर नहीं बाहर आके भी अपना बेस्ट दे सकती है। सो टुडे ऑल गर्ल्स, आई थिंक ऑल जायसवाल वुमेन्स गर्ल्स सभी आए और उनके सारे परिवार के लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे, ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर रहा है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूंगी राजीव संदीप भाई साहब का, जो सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट JYF के थ्रू ये प्लेटफॉर्म दिया गया है सभी लेडीज़ को। ये मीना जी ने सही कहा कि जो हमारी कंजर्वेटिव फैमिली, जैसे लोगों के दिमाग में यूपी की फैमिली बोलेंगे तो कंजर्वेटिव फैमिली, पर आज यहाँ साबित हो गया माँ बेटी की जोड़ियाँ खेल रही हैं, यहाँ पे उम्र का कोई बैरिगेट्स नहीं है, हेल्थ का कोई बैरिगेट्स नहीं है, तो सारा जोश जो भर के दिखाई दे रहा है तो हम ये साबित कर सकते हैं कि जायसवाल अब पीछे नहीं है। जैसे यशस्वी जायसवाल को भी हमें राजीव भाई साहब ने प्रमोट किया है, आज वो IPL में है, नैना जायसवाल है, तो हम जायसवाल सब पीछे नहीं रह गए हैं, तो जायसवाल आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा हमको एक प्लेटफॉर्म मिला है और हम बहुत शुक्रिया तहे दिल से करूंगी राजदीप और संदीप भाई साहब का कि उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है और ये कोर कमेटी की इतनी मेहनत है कि इन्होंने सब चीज़ों को जोड़ा है, तो आई विल जस्ट से कि एक बार कोर कमेटी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं JYF की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू वेरी मच टू राजदीप जी एंड संदीप जी फॉर मेकिंग मी अ डायरेक्टर फॉर दिस इवेंट, और हमने बहुत कोशिश किया, लास्ट फ्रॉम 1 month आई एम रनिंग थ्रू दिस इवेंट एंड आई एम सक्सेसफुल। आई हैव कॉल्ड ऑल द 8 संस्थास, ऑल द लेडीज आर यूनाइटेड विद दिस प्रोग्राम एंड इट्स रियली गोइंग ऑन वेल एंड आई होप इट विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू। देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज IPL में यशस्वी जायसवाल है, नेक्स्ट ईयर वुमन IPL में हमारी ये फाउंडेशन को थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पर खेलने के लिए और उनकी अपॉर्चुनिटी की वजह से मैंने 51 रन स्कोर किया है वो एक इनिंग में, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ और होप्स हम फाइनलिस्ट बनेंगे इस इवेंट के और ये इवेंट सक्सेसफुल होगा और नेक्स्ट।
सबसे पहले राजीव भाई संदीप भाई को शुक्रिया धन्यवाद देते हैं कि हम लोग महिलाओं को आगे बढ़ने का और कुछ कर दिखाने का मौका दिया गया हुआ है। और मैं डोंबिवली संस्था जो है हम लोग को पूरी तरह से सपोर्ट करती है कुछ भी फंक्शन हो या कुछ भी हो आगे लाने की। जैसे राजदीप और संदीप जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ जो ये हमारे जायसवाल समाज में पहली बार हुआ है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राजदीप और संदीप जी को जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया JYF, जिसमें 8-9 संस्था एक साथ एकजुट होके एक साथ मिलके परफॉर्मेंस करी है। ये पहली बार है, इसके लिए पहली बार महिलाएं अपने घर से निकल के ये परफॉर्मेंस कर रही है और ये हमारी पहली शुरुआत है। हम चाहेंगे कि हमारे अखिल मुंबई से हम कुछ ही दिनों में कुछ ही महीनों में एक और JCL यानी वुमेन जायसवाल क्रिकेट लीग करने वाले हैं जिसका मैं अनाउंसमेंट करती हूँ। कलवार समाज सेवा संघ का अध्यक्ष मुंबई से, आज मैं इस जायसवाल यूथ फेडरेशन के साथ जुड़कर हमने पूरे मुंबई के बाकी भी कई संस्थाओं को जोड़कर साथ में हम सभी लोग जुड़े हैं और आगे समाज के विकास के लिए काफ़ी कुछ लगभग फरवरी महीने से अप्रैल महीने से हम सब इस संस्था से जुड़कर सारे समाज के लिए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें खेलकूद। मैं रामा सरे जायसवाल, जायसवाल सेवा संस्था वसई दहानू से हूँ। आज ये जो कार्यक्रम मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जो घर की औरतें कभी घर के बाहर नहीं निकलती थी लेकिन आज उनको खेलते हुए इतना आनंद हो रहा है और इतनी खुशी हो रही देखते हुए कि आज हमारा समाज कंधे से कंधे मिला के आज जो अपडेट हो रहा है। और ख़ास करके मैं राजीव भाई और संदीप भाई का धन्यवाद करूँगा कि जो इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, रामानंद जी और उनकी टीम ने जो मेहनत लिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और आगे भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह के आयोजन ये भविष्य में भी करेंगे और हमारे समाज को बहुत ऊंची चोटी तक ले जाएंगे, एक मुकाम देंगे, ऐसा मुझे उनकी से पूरा उम्मीद है। धन्यवाद। मैं ओमकार जायसवाल, जायसवाल फाउंडेशन का अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी बच्चियाँ, हमारी महिलाएं चूल और मूल के बाहर नहीं निकलती थी, आज सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी राजदीप गुप्ता और संदीप गुप्ता जी के वजह से जो जायसवाल युवा फेडरेशन उन्होंने बनाया और उन युवाओं ने मेहनत की, एक महीने के अंदर उन्होंने जितने जायसवाल की संस्थाएं सभी संस्थाओं की महिला टीम को तैयार किया और आज इसका नतीजा है कि हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां आकर मैदान में क्रिकेट खेल रही हैं। मैं जायसवाल फाउंडेशन की तरफ से सभी जायसवाल समाज की टीमों को मैं शुभेच्छा देता हूं और आशा करता हूं, व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से यहां पर आज फर्स्ट मैच उन्होंने खेला, एक दिन जायसवाल का नाम रोशन करेंगी और नेशनल और इंटरनेशनल की भी मैच खेल के जायसवाल समाज का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। आइए सर, गिरजा जायसवाल, थोड़ा आवाज़ लाउंज। गिरजा जायसवाल बोलता हूँ, मैं डोंबिवली से जायसवाल समाज सेवा संस्था से आया हूँ और काफ़ी अच्छा लगा जो सारी लेडीज़ हैं क्रिकेट के मैच के, राजबाबू की मेहरबानी जी को पूरे इंडिया में पहली बार मैच। थैंक यू। मुंबई जायसवाल से प्रेसिडेंट कंचन जायसवाल बोल रही हूँ। ये जो हमें नया प्लेटफॉर्म मिला है सरस्वती देवी ट्रस्ट के तरफ से मिला है, इसमें राजदीप और संदीप जी का बहुत योगदान है जो उन्होंने घरों से कामकाजी महिलाएं और हाउसवाइफ को यहां से बाहर निकाल के एक नया प्लेटफॉर्म दिया है जिससे उनका उत्साहवर्धन हुआ और यहां तक पहुंची हैं और मैच खेलने के लिए अग्रेसिव हुई हैं। हम उनके महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और राजदीप संदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और हम ऐसा आगे एक और मैच खेलना चाहते हैं जो वुमेंस के लिए एक और क्रिकेट मैच लीग होगा। धन्यवाद। मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है, जुड़े यहाँ पे बिंदुवासिनी सेवा मंडल जायसवाल परिवार के उपाध्यक्ष हैं विनोद कुमार गुप्ता। मैं अपने बिंदुवासिनी सेवा मंडल की तरफ से संदीप भाई, राजदीप भाई को जो है हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। मेरा नाम राजेश जायसवाल, मैं कलचूरी जायसवाल समाज वापी की तरफ से आया हूँ। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है,
इससे महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, हमारे समाज की महिला आगे आएंगी और ये बहुत गर्व की बात है हमारे समाज के लिए। जयसवाल समाज संस्था नवी मुंबई की तरफ से जयसवाल यूथ फेडरेशन जो आज यहाँ पे महिला लोग को जमा करके बहुत अच्छा जो कार्यक्रम किया है क्रिकेट वुमेंस का, तो पूरी जयसवाल नवी मुंबई की तरफ से मैं उनको क्या हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और आगे आने वाले समय में हम इससे अच्छा कार्य करेंगे ये उम्मीद रखते हैं। अखिल मुंबई जायसवाल युवा मंच की तरफ से बात कर रहा हूँ। हमारी संस्था जायसवाल यूथ फेडरेशन को बहुत बहुत बधाई देती है कि महिलाओं को उन्होंने इस तरह से क्रिकेट के मैदान में बाहर उतारा है। अखिल मुंबई जायसवाल युवा मंच ने पहली बार जायसवाल प्रीमियर लीग का आयोजन किया था और ये सब लोगों ने इतना अच्छा से इस प्रोग्राम को बढ़ा रहे हैं, क्रिकेट मैच को आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं जायसवाल यूथ फेडरेशन को। जायसवाल सेवा संस्था से हमारे अध्यक्ष श्री रामविलास जायसवाल और श्री लक्ष्मी चंद्र जायसवाल हमारे संस्थापक श्री कृष्ण चंद्र जायसवाल सब हम लोग यहाँ और हमारी टीम जायसवाल संस्था की महिलाएं बच्चे बड़े खुशी से बड़े उत्साह से यहाँ आए हैं और एक यूथ फेडरेशन जायसवाल यूथ संदीप भैया राजदीप भैया ये दोनों ने एक मिसाल रखा है कि यहाँ के हमारे जो घर में महिलाएं हैं बच्चे हैं उनको एक क्रिकेट में कैसे लाना है और इसमें आने से उनका एक प्रोत्साहन बढ़ता है और इसलिए मैं इस सदस्य को धन्यवाद देता हूँ अच्छे कार्य के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपके रामविलास जायसवाल जायसवाल सेवा संस्था अध्यक्ष जो जायसवाल यूथ फेडरेशन ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो ये प्रोग्राम रखा है संदीप भाई ने राजदीप भाई ने जो ये रखा है मतलब महिलाओं को इतना उत्साहित करने के लिए जो रखा है आगे लाने के लिए रखा है इसके लिए हम धन्यवाद उनको देना चाहते हैं। मैं विंध्यवासिनी सेवा मंडल का संस्थापक मिठाईलाल गुप्ता, मैं राजदीप सर जी के और श्री सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का पहला प्रोग्राम विंध्यवासिनी सेवा मंडल ने मिलकर के जेसीएल किया था और बहुत अच्छी तरह से वो सक्सेसफुल था। आज मैं राजदीप जी और संदीप जी के बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। जो महिलाओं के लिए इन्होंने प्रोग्राम दिया वो बहुत ही सुदृढ़ तरह से देखा जा रहा है। हमारे समाज के लोग बहुत ही उत्सुक थे, आज उनकी उत्सुकता जो है दूर हुई। मैं विंध्यवासिनी सेवा मंडल के सारी टीम की तरफ से इस आयोजक को बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।